श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डम् एकोनत्रिंशः सर्गः ईषत् अश्रुमुखी सीता रामोक्तवनदोषान् प्रगुणीकृत्य स्वस्यापि पितृगृहे तामुद्रिक् उद्रिकोक्तं वनवासं प्रस्ताव्य स्वीयां वनगमनोत्कण्ठामधिकृत्य प्रार्थयत तथापि रामस्तत् वियोगभीरुं तां पर्यसान्त्वयत् एतत्तु वचनं श्रुत्वा सीतारामस्य दुःखिता प्रसक्ताश्रु अश्रुमुखी मन्दम् इदं वचनमब्रवीत्

अदृष्ट पूर्व रूपत्वात्सर्वे ते तव राघव रूपं दृष्ट्वा पसर्पेयुस्तव सर्वे हि बिभ्यति त्वया च सह मया गुरुजनाज्ञया

अथापि च महाप्राज्ञ ब्राह्मणानां मया श्रुतं पुरापि पितृगृह सत्यम वस्तव्यम किल मे वने लक्षणीभ्यो द्विजातिभ्य श्रुवाह वचनम गृह वनवास कृतोत्साह महाबल आदेशो वनवासस्य से प्राप्त समय किल सात्वया सह भद्रा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालश्चायं समुत्पन्न सत्यवाग् भवतु द्विजः वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषैर कृतात्मभिः कन्यया च पितुर्गेः वनवास श्रुतो मया भिक्षिन्या शमवृत्ताया मम मातुरिहाग्रतह प्रसादितस्य वैपूर्वम त्वमे बहुतितम प्रभो गमनं वनवासस्य काङ्क्षितं हि मह सहत्वया कृतक्षणाहं बदरन्ते गमनं प्रतिराघव वनवासस्य शूरस्य मम चर्या रोचते शुद्धात् शुद्धात्नं प्रेम भावाधी भविष्यामिव कल्मशां भर्ता रमनुगच्छंति भर्ता ही परदैवतम् प्रेत्यभावे ही कल्यानसंगा संगमोत्मेम सदात्वया शूत्र ही शूयते पुण्य ब्राह्मणानामेश्वर्षिनाम् इह लोके च पितूर भैर्या पितूर भैर्या अस्त्रियस्य महाबले अधिर अधिर दत्ता प्रेत्यभावेपि तस्य सा एवमस् अस्मा एवमस्मात्म स्वकां हि पतिव्रतां नाबिरोचयसे नेतुं त्वम्मां केनेह हेतुना भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समम् सुख दुखा यो हो ने तुमर हसी का कुछ था सामान सुखा यदि मां दुखिता ता वनम ने तुम न छेत् छेत्सा सी विषम अग्निम जलम वाहम मास्था मृत्यु कारण बहुविधम तम सा याचते गमनम प्रति नानुमेने मेने महाबाहुस्ता विजनं वनं वनम एव मुक्ता तु समुपागता स्नापयंती वगा मुष्णै अश्रुभिर्नयनश्चुतैहि चिंतयंतीं तदा तु